हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निर्मला अग्रवाल फ्रॉम जूही फर्टिलिटी सेंटर नियर शेखपेट हैदराबाद। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट 100% सक्सेस इन आईवीएफ। सो फ्रेंड्स, एज यू नो द सक्सेस रेट इन आईवीएफ इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, बट देन व्हाट आर द लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं ताकि उसका सक्सेस हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। सो आई शेयर सम टिप्स विद यू। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी डाइट। तो जब भी आप सोचते हैं कि भाई तो आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत है कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है या आपने कई सारे छोटे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है और आपने मेंटली डिसाइड किया है कि नाउ वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका आईवीएफ 100% सक्सेसफुल हो। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। अवॉइड जंक फूड एंड देन अवॉइड ऑयली फूड एंड टेक अ वेरी प्रोटीन रिच हेल्दी फूड रिच इन लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। दूसरा ये क्योंकि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको बॉडी वेट या बॉडी मास इंडेक्स जो है बिलो 25 रखना है। अगर आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है तो देन सक्सेस रेट इज लेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको फर्स्ट ये ध्यान रखना है कि हमको हेल्दी डाइट लेना है, हमको अपना वेट कंट्रोल में रखना है सो दैट द BMI इज बिलो 30। एंड देन थर्ड हमको थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना होता है, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या एक्सेसिव टी कॉफ़ी लेते हैं तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस, क्योंकि इन सब का सारा असर आपके एग क्वालिटी पर होता है। क्योंकि जो एग प्रोड्यूस होता है बॉडी में इट इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी। सो जैसे अगर सेल को हमको हेल्दी रखना है तो हमको सारी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ता है। सो वी हैव टू अवॉइड योर स्मोकिंग, अल्कोहल एंड हुक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हुक्का नाउडेज। जो यंगस्टर्स हुक्का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका भी बहुत बुरा असर होता है एग पर एज वेल एज स्पर्म के ऊपर। एंड देन द फोर्थ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। सो व्हाट एवर द डॉक्टर सजेस्ट, देयर आर ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनसे कि अपना एग क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमको लेना है विटामिन डी, कैल्शियम एंड देन कोक्यू विच इज कॉल्ड एग एनर्जाइजर। सो ये सारे सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं तो अबाउट 3 months बिफोर IVF वी हैव टू स्टार्ट दैट। एंड इसके बाद में हमको फिर जब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो लोग प्री IVF इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन द प्री IVF इन्वेस्टिगेशन अगर हमको थायराइड अप एंड डाउन कुछ होता है या प्रोलैक्टिन का लेवल अप एंड डाउन होता है तो वी हैव टू करेक्ट दैट। सो क्योंकि इन सारी चीज़ों का असर भी अपने को एग की क्वालिटी पर पड़ता है। ओनली व्हेन दिस इज अंडर कंट्रोल वी शुड गो फॉर IVF एंड देन कंट्रोल योर डायबिटीज, कंट्रोल योर हाइपरटेंशन। एंड अगर स्कैन में हमको लगता है कि कुछ फाइब्रॉइड है, कुछ एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इनसे भी एग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है तो वी हैव टू गो फॉर करेक्शन लाइक लैप्रोस्कोपी वी हैव टू डू। एंड हिस्टोस्कोपी में अगर हमको पॉलिप, अगर यूट्रस में हमको पॉलिप दिखता है तो वी हैव टू रिमूव दैट। अगर सपोज यूट्रस का लाइनिंग बहुत थिन है तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो ये सारी चीज़ें करके हम अपना धीरे धीरे सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एज। जैसे कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर एज आपका बिलो 35 होता है तो वी कैन गिव यू अ गुड सक्सेस। पेशेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, दे विल ट्राई ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट्स एंड देन दे विल डिले देयर एज, और समटाइम्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द करियर दे डिले मैरिज, दे डिले चाइल्ड बेयरिंग, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर आफ्टर 35 सक्सेस रेट ड्रॉप्स ड्रास्टिकली। सो हमको ये देखना है कि भाई व्हेन योर फर्टिलिटी पोटेंशियल इज मैक्सिमम वो टाइम पर हमको IVF का प्लान कर लेना चाहिए। सो ये सारे देन उसके बाद आता है कि हाउ टू सेलेक्ट अ गुड सेंटर, इवन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी सेंटर विच हैज़ गॉट अ गुड क्वालिटी कंट्रोल लैब, विच हैज़ गॉट अ हाई क्वालिटी लैब एंड देन हु हैज़ गॉट ऑल द गैजेट्स फॉर योर कल्चर लाइक इंक्यूबेटर्स एंड देन ICSI मशीन एंड देन यू हैव अ लैप्रोसिस्टोस्कोपी इन द सेम प्लेस एंड देन यू हैव अ ट्रेंड क्लिनिशियन, ए ट्रेंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सो ये सारे फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी दैट एंड देन अप्रोच द लैब। एंड देन कमिंग टू टेक्निक लाइक ब्लास्टोसिस्ट कल्चर जब हम करते हैं डे 5 ट्रांसफर, अगेन उसे एक 10-20% सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाता है कम्पेयर टू व्हेन यू डू डे 3 ट्रांसफर। सो आप अपने डॉक्टर से ये बात कर सकते हैं कि वेदर दे आर डूइंग डे 3 ट्रांसफर और दे आर डूइंग डे 5 ट्रांसफर। एंड देन एंड नाउडेज जो ट्रेंड है वो है फ्रीज ऑल पॉलिसी। सो ये क्या होता है, जैसे जब हम स्टिम्युलेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है एस्ट्रैडियोल, वो काफ़ी थोड़ा हाई हो जाता है, ऐसे में यूट्रस क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि भाई सेम टाइम पर ट्रांसफर ना करके हमको ट्रांसफर नेक्स्ट साइकिल में करना है, इट इज़ कॉल्ड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो विद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हमारा सक्सेस रेट थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है।
तो इफ सपोज अगर हम प्लान करते हैं ब्लास्टोसिस कल्चर, हम प्लान करते हैं फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंड देन थर्ड इज अ लेजर असिस्टेड हैचिंग फॉर इन सिलेक्टेड केसेस जहाँ पर कि भाई जोना इज काफी थिक है, तो वो केसेस में हम लोग LAH कर सकते हैं. एंड देन फोर्थ इज द पेशेंट इज अबव 35 ईयर्स, दे हैव लिटिल हायर चांस ऑफ अबनॉर्मल एम्ब्रियोस. ये पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट PGT-A. सो विद दैट व्हाट वी डू, हम एक बायोप्सी करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो नॉर्मल क्रोमोसोमल कंपोनेंट है. सो वो एम्ब्रियो हम सिलेक्शन करके जब ट्रांसफर करते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड सक्सेस. एंड देन द फिफ्थ इज देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स व्हिच कैन इंप्रूव द क्वालिटी, लाइक व्हेन वी यूज अ पिक्सी डिश एंड देन व्हेन यूज अ IMSI. IMSI इज अंडर हाई मैग्निफिकेशन हम जब स्पर्म्स को एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द कौन सा स्पर्म है जो बेस्ट लुकिंग स्पर्म है, विच हैज गॉट द गुड हेड, गुड शेप एंड देन गुड हेड कंपोजिशन एंड ऑल दैट. सो ये जब हम यूज करके इंजेक्ट करते हैं तो वी कैन गेट गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज. सो दीज आर ऑल द टेक्निक्स. लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंजेक्शंस, गुड क्वालिटी इंजेक्शंस, द PIVF इन्वेस्टिगेशन. एंड देन अगर हमको हाइड्रोसाल्पिन्स हैं, फाइब्रॉयड है, एंडोमेट्रियोसिस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, उनका करेक्शन होना चाहिए. अगर आपको कुछ इसके पहले TB का कुछ शिकायत था तो वो ट्रीटमेंट होना चाहिए. And then coming to the culture in the lab, we should do insist for the blastocyst culture, and then PGT-A, and then there is something called ERA, that is endometrial receptivity array. इसमें हम check करते हैं कि patient का fertile window कब उसका fertile window open होता है, and accordingly we transfer the embryos. And then there is a latest technique called embryoscopy, which is not available at every lab. So herein we just check how the embryo is dividing every time, and then how it is developing on time or not. So ये सारे steps अगर हम use करते हैं तो we can definitely improve the success to the highest level, and maybe in future we may be able to get even 100% success rate. Thank you very much. If you have any queries, I'm here to answer the queries. You can come to my center. And please like कीजिए if you think the information is good, or if you are happy with information, like button दबाइए and subscribe our channel. Thank you.